अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरिया। आज आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट डिज़र्ट, जो हम ब्रेड से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इनको 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इन ब्रेड के स्लाइस के किनारों को कट भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कट करने के बाद 2-3 बार करके फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। बहुत ही कम चीज़ों से हम बहुत जल्द हम घर पर ये टेस्टी डिज़र्ट बना सकते हैं। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी के जितने भी स्लाइसेस हैं घी या ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। घी में फ्राई करने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे सारे ब्रेड्स को इस तरह से फ्राई करने के बाद साइड में रख लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में 2 कप दूध लेंगे। अच्छे से बॉइल्ड होने तक हम 1 और कप अलग से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे दूध में लम्स ना रहे। तो यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है। उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा थिक होने लगा है। इसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून शक्कर ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए शुगर, कस्टर्ड मिक्सचर और मिल्क अच्छे से बॉइल्ड होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ठंडा हो जाने के बाद एक प्लेट में निकाल कर इसके ऊपर जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है इन स्लाइसेस को रख लेंगे। आप चाहे तो इसमें फ्रूट्स भी मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट की कतरन ऊपर से गार्निश करके सर्व करूँगी। तो देखिए जो बचा हुआ हमारे पास कस्टर्ड मिल्क था ऊपर से डालकर और गार्निश कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।